खबर जनपद नैनीताल के काला ढूंगी से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नवीन प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 6 और 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं इस मौके पर अभिभावकों को बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सत्य नारायण ने विद्यालय में इस बार भी सर्वाधिक प्रवेश पर प्रधानाचार्य को सम्मानित किया। इस दौरान बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य भी SS अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में छात्राओं का शैक्षिक स्तर बढ़ाने और अन्य क्रियाकलापों में उनकी रुचि पैदा करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कालाढूंगी से मुकेश शिमवाल की रिपोर्ट। विद्यालय में नए प्रवेशों के नामांकन वृद्धि हेतु ये कार्यक्रम यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा किया और बच्चों ने गीतों के द्वारा, नृत्य के द्वारा ये संदेश दिया कि सरकारी विद्यालयों में जो जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लेकर सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चे अपना नामांकन करें और सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का लाभ लें और अधिक से बच्चे हमारी सरकारी विद्यालयों में आएँ, ये प्रयास हमारा है। राजकीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं उन पर अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों के साथ में और क्षेत्र के समुदाय के साथ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं और अभी बातचीत भी हमारे अभिभावकों के साथ में हुई है। GGIC कालाढूंगी में क्योंकि बालिकाओं के प्रवेश हैं हो रहे हैं और यहाँ पर छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, अभिभावकों में भी उत्साह है कि वे कार्यक्रम में आकर के इस क्षेत्र में बच्चों के प्रवेश कराएं ताकि हमारा नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।